तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है चतुर चूहा। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक कपड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ था। चूहे ने उस कपड़े के टुकड़े को उठा लिया और आगे बढ़ गया। रास्ते में आगे उसे एक दर्जी की दुकान मिली। दर्जी जानते हैं ना आप लोग, वही दर्जी जो हम लोगों के कपड़े सिलता है। चूहा दर्जी के पास जाकर बोला, दर्जी ओ दर्जी, जरा मेरे इस कपड़े की टोपी तो सिल दे। दर्जी ने अंदर से सोचा, ये कौन है? उसने बोला, कौन बोल रहा है तू? चूहे ने कहा, मैं चूहा हूँ, चूहा बोल रहा हूँ, जरा इस कपड़े की टोपी तो सिल दे। दर्जी ने बोला, चल जा यहाँ से, अपना रास्ता नाप वरना कैंची उठाकर मार दूंगा। चूहा बोला, अरे तू मुझे डरा रहा है? मैं कचहरी जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। ये सुनकर दर्जी डर गया। उसने झटपट उस कपड़े से चूहे के लिए टोपी को सिल दिया। टोपी पहनकर चूहा बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे कशीदाकार की दुकान दिखी। कशीदाकार जानते हैं कौन होता है? जो सिले हुए कपड़ों पर डिजाइन बनाता है, बढ़िया बढ़िया कढ़ाई करता है, रेशम के धागों से महीन महीन कढ़ाई करके टोपी को, कपड़ों को सुंदर बना देता है। चूहे को भी इच्छा हुई कि वह अपनी टोपी पर बहुत सुंदर सी कढ़ाई करवाए। चूहा बोला, भाई ओ भाई, जरा मेरी टोपी पर थोड़ी सी कशीदाकारी तो कर दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल यहां से, मुझे इतनी फुर्सत कहा कि तेरी टोपी पर कशीदाकारी कर दूं। चूहा बोला, अच्छा तो मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, मैं कचहरी जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुनकर कशीदाकार भी घबरा गया और डर गया। उसने चूहे को कचहरी जाने से रोका और कहा, लाओ मैं तुम्हारी टोपी पर सुंदर सी कढ़ाई कर देता हूँ। उसने टोपी लेकर उस पर बहुत ही सुंदर सी बढ़िया सी कढ़ाई कर दी। चूहा तो अब खुश हो गया और सुंदर सी टोपी को पहनकर इधर उधर इधर उधर इधर उधर कूद कूद के घूमने लगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए।